अस्सलाम वालेकुम, आपकी बहन फिर से एक ब्रांड न्यू वीडियो लेके फिर से हाजिर हो गई। कैसे हैं आप सब? मैं बैठी थी तो मुझे ख्याल आया क्यों ना आज एक वीडियो बना लीजिए। मैंने कहा चलो आपके साथ एक वीडियो शेयर करती हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। फिर मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं क्या बनाने लगी हूँ, लेकिन मैंने कहा चलो कोई नहीं, जो भी बनेगा वो बन जाएगा। अरे कहना क्या चाहते हो? फिर मैं बैठी, मैंने इसके चार पीस के कॉटन था, इसी के चार पीस के इसके ऊपर मैंने पहले पूरे में ब्लैक पेंटिंग कलर किया। यार वीडियो देखते जो पता लग जाएगा कि आज मैंने क्या बनाया था। आज ना हम लोग पॉजिटिव बातें करते हैं। अब पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। देखो लोग कहते हैं कि हाफ मत देखा करो, हाफ कभी नहीं पूरे होते, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। अगर आपके अंदर जज्बा है ना हाफ पूरा करने का, तो आप लोग मेहनत करो, एक ना एक दिन वो जरूर पूरे होंगे। है ना, आप लोग हाफ देखो तो सही। अब वो वाला हाफ नहीं देखना कि बिस्तर में लेट के दो मिनट आंख लगी तो जी हाफ आ गया, वो कभी नहीं पूरे होते। वो मेरे कभी नहीं पूरे हुए तो आप कैसे पूरे होंगे? इतने अच्छे अच्छे हाफ देख रहे हो तो सुबह के टाइम ये जान आके हिलाती है, कितनी उठ जाओ, स्कूल का टाइम हो गया। उस टाइम जो दिमाग घूमते ना, यकीनन आप लोगों का भी वो दिमाग जरूर घूमता होगा। है यार क्या बात लेके बैठ के। छोड़ो जी, मकसद ये था कि आप लोग दूसरों के साथ अच्छा करो, आपके साथ भी जरूर अच्छा होगा। अब अच्छी बातें होगी, आप वापस आते हैं अपनी वीडियो पे। ये मैं पेंटिंग कलर में थोड़ा सा पानी मिक्स कर रही थी क्योंकि बहुत ज्यादा थिक था, तो इसे थोड़ा पतला करने के लिए मैंने इसमें पानी डाला, लेकिन यहाँ पे ना मेरी बहुत सी मेहनत जाया होगी। पता क्या हुआ, मैंने तो मैं जो देखती रहती ना, मतलब YouTube पे ही मैंने भी देखा था, मैंने कहा वो बहुत मस्किंग करते हैं, मैंने कहा चलो मैं भी शेयर करती हूँ, मैं भी ट्राई करती हूँ कि देखूँ क्या होता है क्या नहीं होता। मैंने इसके ऊपर पेंटिंग कलर किया, लेकिन यार ये क्या, ये तो ऐसे हो रहा था जैसे इसके ऊपर ऑयल लगाओ, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने कहा चलो लगाती हूँ देखते होता क्या। फिर मैंने इसके ऊपर उल्टा दिया तो वो सारी ना व्हाइट पेंटिंग ना ब्लैक वाले के ऊपर गिर गई। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। फिर मैंने दोबारा से इसके ऊपर ब्लैक कलर किया, वापस पेंट किया ब्लैक, और फिर इस ब्रश को मैंने धो के और इसके ऊपर मैंने फिर येलो कलर से, मतलब यूं ना दूर से चिंटे फेंकी हैं। ब्लैक कलर के ऊपर ऐसे लग रहा था जैसे स्टार्स चमक रहे हूँ। ये भी मैं ट्राई कर रही थी। फिर मैंने क्या किया कि इसके ऊपर से ना ये लीव्स वगैरह उतारे, तो ये ना मतलब अच्छा नहीं बना, मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि ये सही से पेंट हुआ ही नहीं था। फिर मैंने दोबारा से इसे ब्लैक किया, फिर मैंने कहा चलो अब कुछ और करते हैं। मैंने फिर व्हाइट कलर से लेके तो क्लाउड बनाना शुरू कर दिए। खैर इतने देर क्लाउड बनाने के बाद इसमें बड़ी मेहनत हुई है क्योंकि पेंटिंग नीचे ब्लैक कलर से हुई हुई थी, ऊपर व्हाइट कलर से, तो वो ना दोबारा से ब्लैक होता जा रहा था। काफी कोशिश करने के बाद मुझे ये भी नहीं अच्छा लगा, मैंने फिर से इसे ब्लैक कर दिया। इस पर जो सोचा था ना वो अच्छा सोचा था। फिर मैंने ये फॉर्म के ऊपर पेंटिंग कलर लगा के तो एक लाइन में यूं क्लाउड से बना लिए। फिर मैंने नीचे ब्लैक कलर, ये पहले मैंने वाटर कलर ब्लैक किया था तो वो ना देखने में थोड़ा ग्रे ग्रे लग रहा था। फिर मैंने दूसरा कलर लिया क्योंकि ये ना प्योर ब्लैक था और ये सी लग रहा था कि हाँ ब्लैक है। फिर ये मैंने करना शुरू कर दिया। अब मैंने बनाना था इसके ऊपर चांद। फिर मैंने, मेरे पास कोई और गोल चीज नहीं थी, फिर मैंने क्या किया कि मैंने व्हाइट पेंटिंग कलर को ना पेंटिंग कलर के डिब्बे के ऊपर ना लगा के ना, तो यूं मैंने छापा मारा। फिर मैंने इसमें व्हाइट कलर से पेंटिंग कलर किया। फिर मैंने चांद की रोशनी का शेडो थोड़ा पानी के ऊपर डालने की कोशिश की। ये वैसे मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी ये वाला। हाँ कुछ लग ही रहा था जैसे पानी पानी है। फिर मैंने ग्रीन कलर से मतलब घास बनाने की थोड़ी कोशिश की, मैंने कहा चलो घास शास बनाए इसके ऊपर। हाली हाली लग रहा था, मैंने कहा क्यों ना इसके ऊपर दरख्त बना लिया जाए। फिर मैंने लेड पेंसिल से ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद मैंने फिर ब्लैक कलर से ही इसके ऊपर पेंटिंग कलर कर दिया। लग रहा था तो मैंने कहा क्यों ना अब इसके ऊपर ना कोई फूल छूल बना लेने जाए। फिर येलो ऑरेंज और पर्पल कलर मैंने खोला और इसको मैंने फॉर्म के ऊपर लगा लिया, टैप टैप करके फिर मैंने इसके ऊपर लगाया और ये प्यारा लग रहा था। और ये हम लोगों की पेंटिंग हो गई थी रेडी। ओह माय गॉड।